नमस्कार दोस्तों, एसके एक्सीलेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल पेपर देखेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो है इसमें से कम जो है लिख के ले लीजिए 80% जो है क्वेश्चन आने एकदम जो है क्लियर है। ठीक है ना फ्रेंड्स, 80% जो है क्वेश्चन इसमें से ज़रूर लड़ जाएगा। तो आप लोग जो है इसको पूरा जो है तैयार कर लीजिएगा हर एक प्रश्न, और इसका प्रूफ भी दिखा देंगे, क्योंकि पिछले साल का जो विज्ञान का जो क्वेश्चन था मॉडल पेपर, जो यूपी बोर्ड के वेबसाइट से लोड किया गया था, उसका जो है कम से कम 80% क्वेश्चन लड़ जा रहा है। तो इसी उसी से हम ये जो है श्योर कर सकते हैं कि इसका भी जो है कम से कम 80% जो है क्वेश्चन लड़ जाएगा सामाजिक का, जो यूपी बोर्ड के वेबसाइट से इसको निकाला गया है। यूपी बोर्ड का जो वेबसाइट है, और इस साल जो है कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, तो जिसके वजह से जो है मॉडल पेपर जो है बनाया गया है ये यूपी बोर्ड द्वारा। तो इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से जो है तैयार कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को, इसमें से ज़रूर 80% क्वेश्चन जो है आ जाने हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है ना, तो आप लोग जो इसको तैयार कर दीजिएगा, एक बार इसको पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, इसको देखते जाइएगा ध्यान से क्या है। ठीक है, ये पहले ऊपर लिखा रहेगा आप लोगों के लिए रहेगा। अब खंड क आ गया, खंड क में है निर्देश दिया रहेगा, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। या तो जो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है ध्यान से देख लीजिए, और ये साफ साफ दिख ही रहा है, पढ़ने में कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, और आप लोग जो है कमेंट भी कीजिए कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आप लोगों को, और उसका जो वीडियो हम एक एक करके जो वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग दिसंबर में सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा सबका। और एक जो है हम क्या बोलते हैं एनसीईआरटी के मैथ का जो है गाइड ही जो है अपलोड करने वाले हैं। मैथ का जो एनसीईआरटी के बुक का जो गाइड है, माने हम जो अपने कोचिंग के स्टूडेंट्स से जो है जो हल करवा दिए हैं सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज, लगभग 15 तक जो करवा दिए हैं, एक चैप्टर का बाकी है केवल त्रिभुज का। तो जितना करवा दिए हैं हम जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दे रहे हैं, आप लोग उसमें से देखते रहिएगा, क्योंकि कॉमेंट भी आ रहा है कि सर एनसीईआरटी के सभी सवालों को बताइए, तो एक बार जो बताना मुश्किल है हल करके हमको, तो इसलिए जो हल कर दिया गया है इस समय तक भाई बच्चे जो हल कर दिए हैं, उसका जो किसी के एक का जो है बुक लेंगे, कॉपी लेंगे, और उससे जो है सारा सवाल जो है दिखा देंगे आप लोगों को। जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, तो उसको भी जल्द ही अपलोड करेंगे। आप लोग बताइए कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, अगर जो है मान लीजिए जो पढ़ाए हैं उसको जो है अपलोड कर दें तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, अपने जो भी कोचिंग के छात्र हैं उनका जो है जो क्वेश्चन जो बनाए हैं सब नोट, तो उसको जो है आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत कर दें, क्योंकि हमको टाइम नहीं मिलता है दोस्तों कि जो है हम अलग से छांटे या बनाएं। तो कोचिंग के ही जो भी नोट्स बने हैं उसको जो है आप लोग कहेंगे तो अपलोड कर देंगे। ठीक है, मैथ का जो है पूरा सॉल्व करा दिया गया है, केवल एक चैप्टर को छोड़ के त्रिभुज को। ठीक है, तो उन सबों का कॉपी जो है आप लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वाइज जो है उसको दिखा देंगे। ठीक है, ताकि आप लोग समझ लेंगे सभी सवालों को, और उसमें से भी नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आप देख लीजिए इसको, इस वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा, और इन सभी क्वेश्चनों को जो है तैयार करते जाइएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 100% आप लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि 80% इसका क्वेश्चन आने ही वाला है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपका 80% रखा हुआ है। अगर इसको आप लोग तैयार करके जाते हैं तो 100% जो इसका क्वेश्चन लड़ेगा, आप लोग मानिए। अब तक नहीं कहे थे कि 100% जो है लड़ेगा, लेकिन इसमें कह रहे हैं, क्योंकि एकदम कन्फर्म है कि इसका जो क्वेश्चन लड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है देख लीजिएगा आप लोग, अब बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।